ढाई ढाई साल के सीएम पद को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फैसला हाईकमान के पास सुरक्षित है, फैसले को लेकर अभी तारीख तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि सब्र रखिए, फैसला आएगा तो पता चल जाएगा। मैं कल फिर दिल्ली जाऊंगा, मेरा रूटीन दौरा है। तो उन्होंने कल अंबिकापुर में बड़ा बयान दिया है। ढाई ढाई साल के सीएम पद को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव का एक बार बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फैसला हाईकमान के पास सुरक्षित है, फैसले को लेकर अभी तारीख तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि सब्र रखिए, फैसला आएगा तो पता चल जाएगा। मैं कल फिर दिल्ली जाऊंगा, मेरा रूटीन दौरा है। तो स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव का बड़ा बयान सामने है। आज स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव दिल्ली के लिए रवाना होंगे। क्या कुछ कहा कल, चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली आजकल तो दिल्ली जाइए तो एक ही बात से सबका ध्यान जाता है, दिल्ली जाना भी रहता है, कई कारण से दिल्ली जाना रहता है। वैसे मैं कल फिर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, और ये सतत क्रिया प्रक्रिया है, राजनीति में हम लोग हैं। जो खबरें आ रही हैं, खबर आई एक तो एक तारीख की, फिर मीडिया वर्ल्ड ने 7 तारीख चला दिया, फिर 10 तारीख चला दिया। मैं तो सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि सब्र रखिए, और हाईकमांड के पास जब बात है तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस बार फाइनल माना जा रहा है 21 तारीख? वो कोई डेट फाइनल नहीं, 21 आपने बोला, अरे आप मान के चलिए कि ऐसी कोई तारीख नहीं होगी। दिवाली के पहले कोई धमाका, कोई बात, कोई तयशुदा तारीख या साइट के हिसाब से ऐसा नहीं रहता। बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं हाईकमांड के पास, बहुत सारी मसले सामने आते हैं, देश भर के पार्टी के अंदर के मसले आते हैं, तो एक एक करके उनका निराकरण, वो निर्णय फिर उसमें लेते हैं। सही सही, लेकिन परिवर्तन होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुरक्षित हाईकमांड के पास है। जज साहब फैसला क्या सुनाएंगे, वो तो जज लिख के जब देंगे तभी पता चलता है।